खबर देंगे आपको नैब तरमीमी एक्ट 2022 के तहत मुलजिमान की रिलीफ की दरख्वास्तों पर पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद और दीगर मुलजिमान को बड़ा रिलीफ मिल गया। अफजल जावेद हमारे नुमाइंदे सवाले से हमें मजीद तफसीलात बताएंगे। जी अफजल। हाँ जी, देखिए नया तरमीमी एक्ट 2022 जिसको वफाकी हुकूमत ने मंजूर किया था, गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि छह बड़े रेफरेंसेज जिसमें स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ, साबिक वज़ीर खजाना शौकत इकबाल, आज के रोज भी इस एक्ट के तहत जो है रिलीफ देने का सिलसिला जारी है। और लोक वर्षा इस्लामाबाद के फंड में जो फुलबुर्ग का जो रेफरेंस है वो चार साल के बाद अब दोबारा इस्लामाबाद की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए। साब अदालत ने वापस नैब को भिजवा दिया और पीपल्स पार्टी के सेनेटर रुबीना खालिद और दीगर के खिलाफ जो ये रेफरेंस है ये नैब को वापस भिजवाया गया। साब अदालत नंबर एक के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से तहरीरी तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, क्योंकि तमाम मुलजमान की जानिब से जो रेफरेंस दायर किया गया था इस रेफरेंस को। बहुत शुक्रिया जावेद अपडेट करने के लिए। यहाँ सबको सिर्फ एक मिनट मिलेगा। Your time starts now. लाखों करोड़ों बस एक मिनट में। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर वन पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।